है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जी आज हम बनाएंगे हरी मूंग की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही आसानी से लजीज बनकर तैयार होती है बड़े कम मसालों के साथ में। तो जी मैंने यहाँ पर लिए है हरी मूंग जो है 250 ग्राम्स, और यहाँ पर मैंने लिए है एक टमाटर लार्ज साइज़ का जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, और ये दो प्याज है मीडियम साइज़ की जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। इसके अलावा मैंने लिया है ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और मैंने लिया है हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने लिए कुछ 7-8 के करीब हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने 3 चम्मच तेल ऐड किए हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें मैं ज़ीरा और कड़ी पत्ते ऐड करूँगी। इसी के साथ मैंने इसमें प्याज ऐड किए। अब प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक के इसी में फ्राई करूँगी। जी तो मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ, यह 1 टेबल स्पून नमक मैंने लिया है। जब तक कि प्याज गोल्डन फ्राई होती है तब तक के मैं ये हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ग्राइंड कर लूँगी। तो जी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड करूँगी जो कि हरी मिर्च और लहसुन का मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड किया था। इसी के साथ मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा है। अदरक लहसुन और हल्दी भी मैं इसी टाइम पर ऐड करूंगी। इसे कवर करके 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। जिस मिक्सर में मैंने हरी मिर्च और लहसुन को पीसा था इसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और वही पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मेरे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं हरी मूंग ऐड करूंगी। हरी मूंग का मैंने पहले ही वॉश कर रखा था। अब इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर इसको लीड लगा दूंगी एंड 3 से 4 विसल्स मैं लूंगी। जी तो मैंने इसका लीड लगाया है एंड इसको हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 सीटी। जी तो मैंने इसकी 3 सीटी ली थी, लेकिन 3 सीटी पे इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी गलने की, इसलिए मैंने इसको एक और सीटी लेने दिया। जी तो गैस जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, तो मैंने कुकर का लीड खोल दिया है एंड इसी के साथ मैंने इसमें हरा धनिया के पत्ते कट करके डाले। अब इसी पॉइंट पर आपने चेक करना है कि आपको इसमें कितना पानी ऐड करना है। कोई लोग थोड़ा थिक ग्रेवी रखते हैं और कोई लोग थोड़ा सा पतला रखते हैं, तो उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिए। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे मिंच कवर करके रखूँगी। मैं इसमें 1/2 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन का जूस ऐड किया मैंने इसमें। अब बस 5 मिनट तक इसे थोड़ा सा बॉईल आने देते हैं और फिर उसके बाद में हम गैस जो है वो बंद कर देंगे, और ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो जी देखिए मैंने इसे डिश आउट किया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे बताए गए तरीके से, एंड कमेंट बॉक्स पे अपनी राय देना ना भूलें कि आपको ये डिश कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।